हिंदुस्तान में अपने डांसिंग स्टेप्स के कारण, अपने बेलौस नृत्य के कारण, जैसे कहते हैं ना अनहद में नाचना, जब अंदर ईश्वर तैरता है ऐसे नाचना, नाचते तो सब हैं, अचानक उसने देश का ध्यान अपनी ओर मोड़ा और रातों रात वो हिंदुस्तान की लोक कला शैली की, लोक नृत्य शैली की एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। समझ गए होंगे आप नाम। ये देवी का पर्व चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का पर्व चल रहा है, स्त्रियों के सशक्तिकरण का पर्व चल रहा है। लानत भेजिए खुद की सोच पर, जहां एक सामान्य क्षेत्रीय भाषा में गाने वाली एक गायिका शकीरा को हम विश्व की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मानते हैं, और हमारे घर आंगन के लोक नृत्यों में नाचने वाली हमारी बेटियों को हम सोचते हैं कि आंचलिक नृत्यांगना है। मैं भारत की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगनाओं में से एक, भारत के लोक को भाने वाली हमारे घर की लड़की सपना चौधरी का स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। मका छोरी यो बता, आज तो घड़ी सूत्री से लग रही थी। मैं रोज सूत्री लगती हूँ, देखने वाले की नजर होनी चाहिए। तो ये बता सपना कि ये मतलब हम लोग सब बुला सोचते हैं ये सब डांस जो है, एक बहुत बड़े एलीट क्लब में अंग्रेजी बोलने वाली कुछ लड़कियां लड़के इकट्ठे थे, यू नो वेल एक्चुअली दिस इज, तो एक बार मेरी बात चली, किसी ने कहा कि हाउ शी डांस, वो कैसे नाचती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे घरों में आके देखिए, और बल्कि जिस दिन बारात जाती है हमारी भाभियां, अच्छा मैं छोटा बच्चा रहा हूं घर में तो बारात में कई बार नहीं भेजा गया, पर मैं शुरू से चालू था, मुझे पता था कि क्या हो रहा है। तो मैंने अपनी मतलब मौसी की लड़की, चाची की लड़कियां, उनके बीच में बैठ के उस डांस को देखा है, उस नृत्य को देखा है, तो वो जो अनहद मस्ती में होता है उसको सपना बाहर लेके आई। शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत अब तो याद भी नहीं रहा, क्योंकि प्यार इतना मिला, अब शुरुआत भूल ही गई हूँ कि कैसी हुई, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बिल्कुल, काम पैसे के लिए शुरू किया था। क्या बात है, वाह, साफ सुथरी बात। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। हाँ ये है कि हम जो स्टेज परफॉर्मर होता है, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा पे नाचती हो चाहे किसी भी चीज पे नाचती हो, उसको रिस्पेक्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया है। लेकिन मुझे इतना प्यार दिया गया कि मेरी लोगों ने सोच बदल दी कि एक डांसर को रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। मैं जहां भी निकलती हूँ, जहां भी जाती हूँ, मुझे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा। तो अब जैसे अंतर आया होगा कि जो पहले शुरू के दौर में अलग तरीके से देखते थे, अब तो सपना स्टार है, मतलब टीवी की खबर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार नहीं बोलूंगी अपने आप को, बस आप लोगों में से ही निकली हुई एक लड़की हूँ, जिसको आप बस प्यार करते हैं, देखते हैं, सम्मान देते हैं, और वही बात है, थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं। तो बड़ा रोमांचक सा सफर है, गांव की एक लड़की जो अपने काम की तलाश में डांस करना शुरू करती है, और आज मतलब उसका डांस इतनी सारी लड़कियां। मैं गांव से नहीं हूँ, मेरा बॉर्न बॉटम सब दिल्ली है। अरे वाह, माँ मेरी हरियाणा से है, पापा मेरे यूपी से है, लव मैरिज की दोनों ने। क्या बात है, और आप देख सकते हैं लव मैरिज का नतीजा आपके पास है। ये जो जो लोग हैं, जो मतलब YouTube पे देखते हैं, डिजिटल वर्ल्ड पे सपना को देखते हैं, लाइव शोज की कवरेज देखते हैं, वो सपना चौधरी की जिंदगी के बारे में बहुत जान, मम्मी पापा ने लव मैरिज करी, सपना चौधरी का क्या आगे क्या? सपना चौधरी का तो जी वो होगा कि मेरे जैसा कोई गुंडा मिलेगा तो देखेंगे। तो मतलब ये पहली शर्त है जो सपना चौधरी के धुन पे नाच सके। नहीं नहीं, धुन पे तो किसी को नहीं नचाना, देखिए सबका अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो बाकी ड्रीम तो यही है कि जो माँ ढूंढ के लाए उसी से कर ले। क्या बात, देखो बुरा तो चाहेगी नहीं, लव मैरिज में कुछ नहीं पता जी, आ गया पीछा बेरना कद छोड़ के भाज जा। हाँ ये है कि घर परिवार ढूंढ के लाएगा, कम से कम छाती पे तो बैठी रहूंगी, मगर तमन्ना ढूंढा था।